क्या बात है, क्या बात है। अक्रेशिया तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें करना नहीं चाहिए, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो तुम्हें करना चाहिए। और मजे की बात यह है, हम में से कोई भी आदमी में इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आता, इसकी कोई निशानी नजर नहीं आती। जैसे अगर किसी को जॉन्डिस हो जावे तो उसकी आंखें पीली हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जावे तो सुबह उठने नहीं देगी। आपने 5:30 बजे अलार्म लगा दिया, ये 5:25 को खड़ी हो जाती है, 5:25 को ये तैयार रहती है, और जैसी अलार्म बजा और तू उठा और तेरा नाम जावेद है तो तेरे को बोलेगी, बेटा जावेद कल रात को तू देरी से आया तो सो जा। और जावेद अपना ब्लैंकेट लेके सो जाता है। ये तुम्हें मार्केट में जाने नहीं देगी, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। जैसी तुम बुक उठाओगे पढ़ने के लिए, ये तुमको बोलेगी पढ़ के किसका भला हो। ना किसी को गोल सेट करने के लिए देगी, ना ऑडियो सुनने देगी, ना वीडियो सुनने देगी, ना मीटिंग लेने देगी, ना जूम सीखने देगी, ना लिस्ट बनाने देगी, ना फोन करने देगी। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग आने वाले थे, कुछ कुछ लोग नहीं आए, वो सब अक्रेशिया की वजह से। और शायद आप में थोड़ी कम थी आज, बोल के आ गए आप, लेकिन यहां आने से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज ओनली पॉसिबल अगर आपने अक्रेशिया पे जीत हासिल की। अक्रेशिया की वजह से तुम्हारे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ेंगे, अक्रेशिया की वजह से तुम्हारे बच्चे सपने देखना बंद कर देंगे, क्योंकि नालायक बाप तो कुछ खास कमा तो नहीं रहा है। तो अक्रेशिया आपके बच्चे को नहीं मालूम कि आपको अक्रेशिया हुआ है, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आपका बच्चा जानबूझ के अपने सपनों को मार देगा, क्योंकि वो आपकी औकात को देखने के बाद समझ जाता है कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ रुपया दे के बेच नहीं सकते हैं। बच्चे देख लेते हैं माँ बाप अक्रेशिया में है। मेरी लड़की अमेरिका जाना चाहती थी, पप्पा मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मम्मी से ले ले, लेकिन मैं अपने बाप से कभी नहीं बोल सका, क्योंकि मैं जानता था कि 230 रुपए के 6 महीने का फीस भी वो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे देख के, उसकी चाल चलन देख के, उसकी हैसियत को देख के वो सारे लोगों से उधार लेता था। उसे देख के मैं समझ गया ये 230 रुपया भी अपना बीकॉम ग्रेजुएशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करके जुगाड़ करके करना पड़ेगा। बाप का अक्रेशिया बेटा ने देख लिया, और तब कसम खाई कि उसके जैसे बनेंगे नहीं, कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि अगर बीवी ने बोला मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए 10 बजे, 10:01 पे उसके हाथ में गाड़ी आ जाना चाहिए। क्योंकि 16 जनवरी 2024 को आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ आप पर पटना वासियों, मैं आ रहा हूँ आपके दिल जीतने के लिए 19 जनवरी 2024 को। 13 फरवरी को हम आ रहे हैं वाराणसी।